जानिए रुकिए प्रकाश मिटे अंध्यारे ज्ञान दे गुरु नाम है ता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु देव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य गुरुवर अलग अलग दरबारों से आए हुए गद्दी निशीन महान विभूतियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मैं सारी संगत के श्री चरणों में जो तीन दिन से इस महायज्ञ का आनंद मान रही है। बापू श्रद्धा राम जी की गोद में बैठकर उनका प्यार उनका दुलार उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। कहते हैं माता ईश्वरा दे सोने लाल नावे धन है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन है वो कोख यहाँ से ऐसे बेटे ने अवतार लिया जिसने सारी दुनिया को उतार दिया। कितने अच्छे कर्म किए होंगे कितनी पुण्य आत्मा कितने हजारों जन्मों का फल मिला कि ऐसे महान पुत्र ने ऐसी माता के कोख से जन्म लिया। जब कोई महापुरुष जन्म लेता है तो विधाता को भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी पुण्य आत्मा है जिसके घर में इसे अवतार दिया जाए। ऐसे माता पिता को कोटि कोटि नमस्कार। बापू श्रद्धा राम जी महाराज बचपन से ही भक्ति में लीन थे। हमेशा उस प्रभु की भक्ति में हमेशा हमेशा आनंदित रहना। जब घर से जाने लगे तो माता ने कहा बेटा मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो लेकिन मेरी बात याद रखना। बापू जी कहते हैं बताओ माता क्या आदेश है। तो माता ने कहा कि मजबूत किले में रहना, हमेशा स्वादिष्ट भोजन करना, हमेशा अच्छे बिस्तर पे सोना। तो बापू जी कहते हैं माता ये क्या कह दिया, मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूँ आपने ये क्या कह दिया। तो माँ कहती है बेटा मेरे कहने का मतलब है कि तू अपने गुरु के कहे में रहना, जो गुरु कहे उसकी आज्ञा का पालन करना, कभी भी किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं करने। अगर तू ऐसा करेगा तो एक मजबूत किले में रहेगा, स्वादिष्ट भोजन करना, भाव जो मिल जाए उसी में सब्र कर लेना, अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं,
जब भूख लगी होती है तो जो भी मिल जाता है स्वादिष्ट लगता है, नरम बिस्तर पे सोना, भाव गुरु की इतनी भक्ति करना, गुरु की इतनी सेवा करना कि जब शरीर थक जाए, चूर हो जाए, तो फिर बेशक पत्थर पे भी सुला दो वो भी नरम गद्दा ही लगता है। ऐसी पुण्य आत्मा जिसने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए, बेटे ने भी उसकी कमी नहीं छोड़ी, दिन रात भक्ति में लीन रहना, गुरबानी का पाठ करना, गुरबानी का पाठ करते करते खुद कुर्बानी हो गए, वाक सिद्धि आ गई, जो मन से जो जुबान से बोल देना, हर वो बात उस गुरु की कृपा से पूर्ण हो जाने। अगर हम भी हर समय उस प्रभु का नाम, उस राम को याद रखें, हृदय में बसा के रखें, तो हमारा भी कोई काम रुकता नहीं है। हमेशा प्रभु हमारे पास रहते हैं। बापू श्रद्धा राम जी, बापू ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी यही हैं। बस उन्हें सच्चे हृदय से याद करने की ज़रूरत है। बापू श्रद्धा राम जी कहते थे, अगर तू जीवन में तरक्की करना चाहता है, अध्यात्मक उन्नति, तो हर वक्त उसी प्रभु के नाम का सिमरन कर, हर वक्त उस मालिक की भक्ति में डूबा रह, जैसे वो आप करते थे वैसे ही संगतों को भी यही सिखाते थे कि तुम हर पल हर श्वास उसके नाम का सिमरन करो, मालिक कहीं दूर नहीं है। अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से आज भी हम उन्हें याद करें तो उसी वक्त हाजिर हो जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधा था, एक बार लाठी लेकर जा रहा था तो आगे कुआं आ गया, उसे मालूम नहीं था। प्रभु कहते हैं, कैसा मेरा भक्त है, कुएं में गिर जाएगा। आगे बाल रूप लेकर आगे आ गए, उसकी लाठी पकड़ी और एक सर तरफ कर दिया। सूरदास समझ गया, जब जाने लगे तो कहा, प्रभु जा रहे हो कोई बात नहीं, मेरे हृदय से तो जाकर दिखाओ ना। भाव है, अगर हमारे हृदय में हर वक्त राम का नाम होगा तो राम कहीं दूर नहीं है, राम तो हर पल हमारे साथ है, राम हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। अगर कोई भी मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो तो हर वक्त उस प्रभु को याद रखो, उस मालिक को याद रखो। मालिक हर वक्त आपकी रक्षा करेंगे। बापू ओम जी महाराज जी ने सारा जीवन
उस मालिक की खोज में लगा दिया। हर जगह गए, कोई जगह नहीं छोड़ी। आखिर में अमरनाथ की पहाड़ियों पर चले गए, सिद्धों के दर्शन हुए। सिद्धों के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे गुरु तो लेंदे तरफ हैं। फिर उन्होंने अपनी योग माया से ओम जी महाराज जी को हरिद्वार भेज दिया। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया, मैंने तो लेंदे की तरफ जाना है। फिर यात्रा करते करते नूरशाह आ गए, बापू ज्वाला सिंह के दर्शन हुए, साक्षात्कार हो गया। जब गुरु समर्थ हो और शिष्य कामिल तो पल भी नहीं लगता उसे मिलने का, उस प्रभु को पाने का। इसीलिए कहते हैं कि अगर तू उस प्रभु को याद रखेगा, उस मालिक को हर पल हर श्वास उसका सिमरन करेगा, तो वो आपसे दूर नहीं है, हर वक्त आपके पास है। बापू भानुदास जी महाराज एक कुलीन ब्राह्मण थे, उनके पिता भी यही कार्य करते थे। पिता ने अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दी और समझाया कि बेटा, मुक्ति जीते जी लेनी पड़ती है, मरकर नहीं मिलती। भाव है, अगर तू मुक्ति चाहता है तो उस प्रभु के नाम का सिमरन कर, हर पल उसको याद कर, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति तो जीते जी मिलती है। अगर उस मालिक को मिलना है तो जीते जी मरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, हथ काज वेले, हथ काज वल्ले ते मन यार वल्ले, हर पल उन्हें याद रखो। जब बापू श्रद्धा राम जी के पास आए, मन में ये विचार था कि मैं उन्हें तब गुरु मानूंगा अगर वो जाते ही मुझे दर्शन दे देंगे। बापू जी ऊपर चबारे पर थे, संगत बैठी हुई थी। जब बापू भानुदास जी आए तो उन्होंने सारी संगत को उठा दिया और कहा, जो अब आया है उसे सामने लाओ। बापू श्रद्धा राम जी ने जब उसे देखा तो कहा, बेटा, ऐसे किसी की परीक्षा नहीं लेते। हैरान हो गए, ये क्या हुआ। बापू श्रद्धा राम जी भी समझ गए कि ये एक पवित्र आत्मा है, ये काबिल है। तो पूछा, बेटा क्या चाहते हो। तो बापू भानुदास जी कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब कुछ भूल गया,
मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा मैं किस कार्य के लिए आया था। साक्षात्कार हो गया। बापू जी ने कहा कि बेटा सुबह आ जाना, तुम्हें नाम दान दिया जाएगा, गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र है क्या? गुरु मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो गुरु अपने शिष्य में प्रवाहित करता है और उसे अपने जैसा बना लेता है, पर उसके लिए शिष्य को भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आजकल गुरु मंत्र तो सभी ले लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करता, अभ्यास कोई भी नहीं करता। जब गुरु मंत्र देता है तो पहले उस शिष्य की परीक्षा लेता है कि क्या वो पात्र है इसके। अगर वो पात्र होगा तभी उसे गुरु मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि कुपात्र इस काबिल नहीं होता, क्योंकि ये मंत्र शेरनी के दूध के समान है जो सिर्फ सोने के बर्तन में ही डाला जाता है, अन्यथा किसी और बर्तन में डाल दो तो बेकार हो जाता है। इसीलिए गुरु पहले अपने शिष्य की परीक्षा लेता है कि क्या वो पात्र है। अगर पात्र है तो उसे एकदम गुरु मंत्र मिल जाता है, अगर नहीं तो जैसे बापू श्रद्धाराम जी करते थे कि एक स्टेप में एक बार गुरु मंत्र नहीं देते थे, पहले उसे आरंभ कराने के लिए एक मंत्र देते थे कि बेटा इसका अभ्यास करो। जब देखा वो काबिल हो गया है, उसने उस पर कोई प्राप्ति की है, तो फिर गुरु मंत्र देते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य थे विवेकानंद जी, उन्हें नरेंद्र कहते थे, वो हमेशा उन्हें नरेंद्र कहकर पुकारते थे, नरेंद्र इधर आओ, नरेंद्र उधर जाओ। जो बाकी शिष्य थे वो यही समझते थे कि गुरुजी उनसे ही प्यार करते हैं, लेकिन गुरु तो उस शिष्य से प्यार करता है जो काबिल है। जब विवेकानंद जी उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे परमात्मा के दर्शन करा दे। जिसके पास भी गए तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि जिसने खुद परमात्मा के दर्शन किए होंगे वो ही करवा सकता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ मैं तुझे उस प्रभु के दर्शन करवा दूंगा। वो देवी के उपासक थे, मंदिर के अंदर ले गए, ज्योति की ऐसी झलक दिखाई कि साक्षात्कार हो गया, प्रभु से मिलन हो गया। अगर गुरु समर्थ है और शिष्य कामिल
तो फिर पल भी नहीं लगता। ऐसे ही बापू ओम जी महाराज जी ने बापू ज्वाला सिंह जी से गुरु मंत्र लिया और उसका अभ्यास करके उस प्रभु को पाया। इसी तरह बापू भानुदत्त जी ने बापू श्रद्धा राम जी से गुरु मंत्र लेकर नाम का अभ्यास करके उस परमात्मा को पाया। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। बापू श्रद्धा राम जी अक्सर कहते थे कि अगर तू जीवन में तरक्की करना चाहता है तो हमेशा उस प्रभु का ध्यान कर, प्रभु को याद कर, प्रभु को याद रख, तो प्रभु दूर नहीं है, मालिक दूर नहीं है, मालिक हमेशा हमारे पास है। आजकल नामदान तो सभी ले लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते। किसी से पूछो कि कितना समय हो गया, कोई कहेगा 10 साल हो गए, कोई कहेगा 20 साल हो गए, कोई कहेगा 40 साल हो गए। कहाँ तक पहुँचे? रिपोर्ट वही है, 0 की 0। समय ही नहीं है, सब काम हो जाते हैं लेकिन एक यही काम रह जाता है, नाम का अभ्यास नहीं होता। अगर हम डेली की रूटीन बना लें कि सुबह उठकर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ समय उस प्रभु के लिए बैठना है, उसकी याद में बैठना है, तो थोड़ी देर बाद ही हमें ऐसे महसूस होगा कि आज कोई काम रह गया अगर हम उस दिन ना बैठे। आहिस्ता आहिस्ता हमें जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे आनंद भी आने लगेगा और हम सबसे पहले यही काम होगा कि अगर आज हम और काम छोड़ सकते हैं लेकिन ये काम नहीं छोड़ना। हमें हमारी रूटीन ऐसी बनानी चाहिए कि उस प्रभु को हमेशा याद रखना है, प्रभु को नाम का सिमरन करना है। समय बहुत हो गया, संगत ने बड़ी दूर दूर तक जाना है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर हमारी व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो, रहने की, खाने पीने की या किसी किस्म की भी, तो मैं और हमारा ट्रस्ट इसलिए के लिए क्षमा प्रार्थी है। आप दूर दूर से आए हैं इस महायज्ञ का आनंद लेने के लिए। मैं बापू श्रद्धा राम जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हाजिरी कबूल करें, आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आओ सब मिलकर अरदास करते हैं। औखी घाटी बिखरा पेंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो न विसर, सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो न विसर। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय, शहनशाह झंडे की सदा ही जय।
बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही। सब संतन की जय, सब संगत की जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय।